Hello my dear students, today we are going to learn unit 5, chapter number 1, Zoo Manners, textbook exercises. My dear students, आज हम Zoo Manners जो हमारी poem है उसकी हम textbook की exercise complete करेंगे. हमने अगले lecture में मैंने आपको पूरी poem explain की थी और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो नोटबुक की एक्सरसाइजेस है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी. यस, फिर हमने फन फेयर के बारे में भी सीखा था. यस, तो आज हम क्या सीखेंगे, यूनिट 5 चैप्टर नंबर 1 जू मैनर्स उसकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस आज हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, नाउ सी हियर, लेट्स listen, listen and put a tick against the words that the teacher says. अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखो, ये सारे words दिए गए हैं, उसमें से ये एक class activity है जो teacher और students के बीच में ये activity होती है. वैसे ये class activity है. इसमें क्या होता है कि teacher, ये देखो, ये इट एट, तो ये दोनों में से टीचर एक वर्ड बोलेगी. इट बोला तो आपको सुनना है, फर्स्ट यू हैव टू लिसन टीचर ने क्या बोला. इट बोला तो आपको इट के आगे टिक करना है, या तो टीचर एट बोल रहे एट तो आपको एट के आगे टिक करना है. मींस ये दो वर्ड्स में से टीचर कौन सा वर्ड बोल रहे वो आपको ध्यान से सुनना है. इज इट क्लियर, फिर आपको उसके आगे टिक करना है. मीन्स दोनों में से कोई एक ही ऐसा वर्ड टीचर बोलेंगे वो आपको ध्यान से सुनना है और वो वर्ड के आगे आपको क्या करना है, टिक करना है. इज इट क्लियर, तो ये एक क्लास एक्टिविटी है. तो यहाँ पे मैंने टिक किया है एट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इट, आई टी इट, ए टी एट. तो ये मैंने यहाँ पे एक आंसर मैंने लिख दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे एट के ऊपर टिक किया. जब अब हमारी स्कूल ओपन होगी ये एक्टिविटी हम वापस क्लास में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, फिर सेकंड है, टी एच आई एन के थिंक, टी एच आई एन के थिंक, टी एच ए एन के थैंक, थिंक थैंक. इज इट क्लियर, टी एच ए एन के थैंक. फिर है एफ यू एन फन, एफ यू एन फन, एफ ए एन फैन, एफ यू एन फन, एफ ए एन फैन. एम यू सी एच मच, एम यू सी एच मच, एम ए टी सी एच मैच, एम ए टी सी एच मैच. तो इसमें आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ये थिंक थैंक. तो टीचर ने थिंक बोला तो आपको इसमें देखना है कि टीचर ने कौन सा बोला, ये वाला बोला कि ये वाला बोला, फिर उसके आगे आपको टिक करना है. इज इट क्लियर, ये एफ यू एन फन, एफ ए एन फैन, F U N fun, F A N fan. तो टीचर जो बोल रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनना है कि टीचर ने ये बोला है या फिर ये बोला. इज इट क्लियर, वैसे मच मैच, W E डबल L वैल, W E डबल L वैल, W A डबल L बॉल, W A double L ball. Is it clear? Yes. Now next. Say aloud. Say aloud. Means हमें ये सारे words बोलने हैं. देखो ये rhyming words ही है, ये तीन, फिर ये और ये और ये. इज इट क्लियर, यस, ये दो
और ये दो, ऐसे ये राइमिंग वर्ड्स है ऑलरेडी। तो हम ये बोलेंगे, यू ऑल्सो रिपीट विथ मी, ओके, आपको भी मेरे साथ बोलना है। बी यू एम पी बम्प, बी यू एम पी बम्प, एच यू एम पी हम्प, एच यू एम पी हम्प, डी यू एम पी डम्प, डी यू एम पी डम्प। तो ये तीनों तीन है वो एक दूसरे के क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। बम्प हम्प डम्प, बम्प हम्प डम्प, ओके। फिर है सी आर ओ डब्ल्यू डी क्राउड, सी आर ओ डब्ल्यू डी क्राउड, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, सी एल ओ यू डी क्लाउड, सी एल ओ यू डी क्लाउड, सी एल ए डब्ल्यू क्लाउड, सी एल ए डब्ल्यू क्लाउड। फिर देखो इसमें क्राउड क्लाउड ये दोनों राइमिंग वर्ड है, क्रो क्लाउड, इज इट क्लियर। फिर है इसमें एन ओ आई एस ई नॉइस, एन ओ आई एस ई नॉइस, पी आर आई जेड ई प्राइस, पी आर आई जेड ई प्राइस, एस आई जेड ई साइज, एस आई जेड ई साइज, पी आई ई एस पाइस, पी आई ई एस पाइस, एफ एल आई ई एस फ्लाइस, एफ एल आई ई एस फ्लाइस। तो ये प्राइस साइज पाइस फ्लाइस नॉइस, ये भी मीन्स आ भी सकता है, और लिखोगे तो चलेगा और नहीं लिखोगे तो भी चलता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के सारे राइमिंग वर्ड्स है, इज इट क्लियर। नाउ लेट्स सिंग एंड एक्ट, एक छोटी सी एलिफेंट की एक राइम है, राइमिंग राइम्स जिसको बोलते हैं। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट। मीन्स हमें ये आप पोएम गानी भी है और उसकी एक्ट मीन्स उसकी एक्टिंग भी करनी है, मीन्स आपको आपको उसकी एक्टिंग करना है तो आप कर सकते हो। कैसे, इसमें क्या लिखना है, द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट। तो दिस एंड दैट उसमें आप एक्टिंग कर सकते हो कि एलिफेंट ऐसे ऐसे चलता है। ही इज सो टॉल एंड सो फैट, के वो ऊंचा भी है और फैट मोटा भी है। यस नाउ सी हियर, यहाँ पे भी है, He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose! Means elephant ko fingers nahi hai, he has some toes, uske some toes hai, but oh my goodness, what a big nose, but uska nose kitna बड़ा है। ओके नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। अब आपको दिस एंड दैट का यूज करके यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट है दिस इज एन एलिफेंट, आया दिस, दिस इज एन एलिफेंट, दैट इज अ कार, दिस इज अ बैग, दैट इज अ बोए। तो इसे ही आपको दिस एंड दैट का यूज करके आप और भी कोई सेंटेंस आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है,
फिर है लेट्स राइट अ विजिट टू माई विलेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ये छोटी सी एक विलेज की स्टोरी है जो विलेज में विजिट करने गए होते तो उसकी स्टोरी है कि कैसे आ विलेज है ओके और इसमें ब्लैंक्स दी गई है तो ब्लैंक्स आपको ये बॉक्स में दे देखो ये बॉक्स में वर्ड्स दिए गए उसका यूज़ करके ये सारे ब्लैंक्स फिल करना है सपोज मैं ही विलेज गई थी तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि अ विजिट टू माय विलेज मैं मेरे विलेज गई थी तो वहाँ पे क्या क्या था मैं कहाँ पे गई थी और जो भी है वो यहाँ पे सब में ये पूरा पैराग्राफ में लिखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मेरे विलेज के बारे में इज इट क्लियर और इसमें जो आंसर भी लिखना है और वो मैं ये बॉक्स में से फाइंड आउट करके लिखूँगी सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली फर्स्ट इन जून वी वेंट टू अ विलेज जून मंथ में मैं कहाँ गई थी विलेज गई थी वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स वहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ वहाँ पे रहती है और एक बात और कि यहाँ पे देखो ये सारे पिक्चर्स भी दिए हैं ना तो पिक्चर्स का यूज़ करके भी आप यहाँ इसमें से आंसर फाइंड कर सकते हो यस फिर है सी एज अ फार्म मेरी दादी माँ का एक फार्म भी है खेत भी है ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स मीन्स मेरी दादी माँ मेरी ग्रैंड मदर है उसके फार्म में उसके खेत में बहुत सारे एनिमल्स है मैनी एनिमल्स आते देर आर टू हॉर्सीस देखो वहाँ पे दो हॉर्सीस भी है अ कैट विथ इट्स किटन एक कैट है और उसके दो बच्चे मीन्स किटन्स भी है थ्री डॉग्स तीन डॉग है यस थ्री डॉग्स वन हैन एज वेल एज अ कॉक एंड काव एवरी मॉर्निंग सी फीड्स हर एनिमल्स विथ हे और मिल्क मीन्स मेरी दादी माँ का विलेज है विलेज में उसका खुद का एक फार्म भी है यानी कि खेत है वो खेत में बहुत सारे एनिमल्स है कौन कौन से है वो पूरा एनिमल्स के बारे में इसमें लिखा है देर आर टू हॉर्सेस दो हॉर्सेस है कैट विथ इट्स किटन यानी उसका वहाँ पे एक कैट भी है और कैट के दो बच्चे भी है डॉग थ्री डॉग्स है वन हैन कॉक काव बहुत है ना कितने सारे एनिमल्स है और दादी माँ क्या करती है एवरी मॉर्निंग सी फीड्स हर एनिमल्स विथ हे और मिल्क रोज़ मीन्स एवरी मॉर्निंग यानी कि रोज़ सुबह दादी माँ क्या करती है एनिमल्स को खिलाती भी है और दूध भी देती है यस वैसे ही उसको खिलाती है यानी कि जो घास होता है ग्रास हो उसको खिलाती है और कैट है उसके बच्चे किटन है डॉग है उसको क्या देती है मिल्क भी देती है फिर है दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म फिर ये सारे एनिमल्स को पानी पीना है मीन्स ड्रिंक वाटर मीन्स उसको पानी पीना है तो वो कहाँ पे पानी पीने जाते हैं फार्म पे एक पॉन्ड है एक छोटा सा तालाब है तो वहाँ पे वो पानी पीने के लिए भी जाते हैं तो ये क्या है विजिट टू माय विलेज मेरे विलेज का एक पूरा विजिट मीन्स गांव पे गए थे तो वहाँ गांव की मुलाकात ली किसके घर गए दादी के घर गए और दादी के वहाँ पे क्या क्या है एक छोटा सा फार्म है फार्म में बहुत सारे एनिमल्स है तो दादी है वो एनिमल्स की बहुत अच्छे से केयर करती है उसको खाना खिलाती है उसको मिल्क देती है और उसको पानी भी पिलाती है माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस और बाकी की जो एक्सरसाइजेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट
करेंगे। और ये सारी एक्सरसाइजेस है वो आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। ठीक है, थैंक यू।